आज की रेसिपी है नारियल मलाई लड्डू। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी था, आप लोग प्लीज़ इसे घर पे ज़रूर बनाइएगा। खाने में इसका स्वाद है बहुत अच्छा, ये कुछ कुछ कलाकंद जैसा भी टेस्ट कर रहा था। आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 1 केजी दूध चाहिए, 2 हिस्सा नारियल चाहिए, 2 नारियल उसके ऊपर का जो कवर होता है ना ब्राउन वाला उसे हटा लेना है हमें, 1/3 कटोरी चीनी चाहिए और 4 चम्मच मलाई चाहिए, रस मलाई। अब दूध को हम कढ़ाई पे रख लेंगे, इसे गर्म कर लेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ऐसे ये कम मीठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें हम चीनी ऐड कर ले रहे हैं, पूरा नहीं डालूंगी मैं, थोड़ा सा इसमें रख लूँगी क्योंकि हमारे लोग को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे। जब चीनी अच्छे से इसमें पिघल जाए, पक जाए, उसके बाद इसमें हम नारियल ऐड करेंगे। इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकाते लेंगे, जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए, देखिए कुछ इस तरह से इसमें बहुत तेज़ी से बॉयल आने लगा। अब इसमें हम जो पिसा हुआ नारियल रखा था वो इसमें डाल देंगे, सारा नारियल इसमें हम डाल देंगे। मिक्सी में चला लिया था, घिसने के बाद मिक्सी में चला लिया था ताकि एकदम बारीक सा पेस्ट सा बन जाए। ये देखिए इसमें मिक्स कर लेंगे, अब इसे पकाएंगे। जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे ताकि ये जल्दी पक जाए। इसे हमें ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है वरना नीचे से ये लग सकता है। ऐसे ही हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए अब ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, दूध और नारियल एक साथ अच्छे से पक रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका साइड भी हम छुड़ा लेंगे। ये कढ़ाई में बहुत चिपकता है जो नारियल और दूध है ना, तो उसे हम साइड से घिसते हुए भी चलेंगे। ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होते जा रहा है। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए फिर इसमें हम मलाई ऐड करेंगे। देखिए इस स्टेज पे हमें मलाई ऐड कर लेना, 4 चम्मच मलाई मैंने डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। धीरे धीरे ये और गाढ़ा होते जाएगा। इस स्टेज पे ना ये बहुत छीटा पड़ता है तो ध्यान से थोड़ा पकाइएगा आप लोग। देखिए इसे चला लिया, अब ये कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा होते जा रहा है। देखिए इस स्टेज पर हमें इसमें घी ऐड करना है। ऐसे अगर हमारे पास घी नहीं है तो नहीं डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम डालेंगे तो उससे बहुत अच्छे लड्डू में साइन आएगी। चलिए इसमें हम घी डाल लेते हैं, 2 चम्मच घी डालना है हमें इसमें। देखिए 2 चम्मच हम इसमें घी ऐड कर लेते हैं। अब इसे फिर से अच्छे से कुक करेंगे, पकाएंगे इसे अच्छे से। धीरे धीरे ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, जब ये इस तरह से अपने साइड छोड़ने लगेगा मतलब ये तैयार है। देखिए ये धीरे धीरे साइड छोड़ रहा है, देखिए अब ये हो चुका है लगभग। घी डालने के बाद से ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5 मिनट पकाना। देखिए ये पक चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे, साइड पूरी तरह से छोड़ दी इसने। ये किसी बर्तन में निकाल के हम ठंडा कर लेंगे, जब ठंडा हो जाएगा फिर अपने साइज जैसा हमें साइज चाहिए उस साइज़ के हम लड्डू बना के तैयार कर लें। कुछ इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ही करते हैं करते हम सारा लड्डू तैयार कर लेंगे। इससे सारा लड्डू हमने तैयार कर लिया, अब इसे हम सर्व कर लेंगे। देखिए हमारे लड्डू तैयार हैं, ये बहुत अच्छा बना था, प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।